फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टिप्स और तरीका जिसके थ्रू आप अपने 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई सारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना शुरू में चैनल इसी तरीके से मोनेटाइज कराया था, 4000 वॉच आवर्स इसी तरीके से कंप्लीट करे थे, जिसके बाद उनका चैनल जो है मोनेटाइज के लिए अप्लाई हो गया था। अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो आपके व्यूज को देखते हैं तब भी आपके वॉच आवर्स कंप्लीट होने में कम से कम नहीं तो 6 महीने तो लगे जाएंगे, राइट। सो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जिसको देख के आप अपने 4000 वॉच आवर्स को जल्दी से जल्दी या फिर यू कह लो 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको अपने ही चैनल का दिखाता हूँ वॉच आवर्स कितना उसके ऊपर वॉच आवर्स है अभी एंड वो कितना मैंने उसके ऊपर डेली बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा चैनल है एंड यहाँ पे अगर आप वॉच आवर्स की बात करते हैं तो 3.6K मतलब की 3600 वॉच आवर्स अभी है, 4000 होने में सिर्फ अभी 400 ही रह गए हैं, बाकी 3600 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड तो यहाँ पे जो 3600 दिखा रहा है ये मैंने डेट सेलेक्ट करी है लास्ट 19 डेज की, यहाँ पे 27 तारीख का क्लास दिखा रहा है, 28 और 29 का नहीं दिखा रहा है अभी क्योंकि यहाँ पे 2 दिन आज का और 1 दिन पहले का नहीं जोड़ता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देखते रहिएगा एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं मेरे वीडियोस की तरफ और बात करते हैं आगे क्या आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका चैनल भी 4000 वॉच आवर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने जो मेरा वॉच आवर्स है मैं इसका एक आपको एक चीज और इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना वॉच आवर्स यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे एक ही ग्राफ देख रहे होंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा जो ग्राफ मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है और इस ग्राफ के जो मैं वॉच आवर्स बता दूं एक दिन का कितना आया तो आपको यहाँ पे खुद भी दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ माउस को और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 188 में यहाँ पे लेके आया था, मई 13, 2020 थर्सडे का दिन था, उस दिन मैं यहाँ से लेके आया था सिर्फ 180-190 वॉच आवर्स, मतलब कह लो 200 वॉच आवर्स के आसपास मैं एक दिन के अंदर यहाँ से लेके आया। मैं चाहता तो अपने सारे वॉच आवर्स को कुछ ही दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता बट मैंने अभी ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा जो चैनल है वो चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर अभी 365 है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, इस वजह से मैं चाहता नहीं हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और बाकी सब्सक्राइबर के लिए मैं वेट करूँ, क्योंकि अब मैं जो डिपेंड हूँ वो ऑर्गेनिकली डिपेंड हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिकली व्यूज आता रहेगा और वो जो 400 वॉच आवर्स है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा मेरे दोनों एलिजिबिलिटी जो होगी वो ऑन हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकता हूँ। ओके, सो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है जिसके थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज होगा और यही वो तरीका है जिससे कि बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स भी इसका यूज करते हैं बट लेकिन वो आपको बताते नहीं है, वो सिर्फ आपको एक बेसिक सा टिप्स बता देंगे कि आप ये कर लो, ऑप्टिमाइज कर लो, टाइटल डिस्क्रिप्शन फलाना ढिकाना ये सब कर लो और आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा और 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। दोस्तों, मेरा चैनल को आज पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि मेरा चैनल कितना पुराना है। अगर मैं यहाँ पे और लेके चलता हूँ यहाँ पे लाइफ टाइम का तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि मैंने चैनल कब बनाया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मैंने अपना चैनल बनाया था वो 14 अप्रैल 2019 मतलब 2019 के अंदर मैंने अपना चैनल बनाया था, उसके ऊपर कोई वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसके बाद एक व्यूज आ जाता है, उस टाइम पे जो मैंने वीडियोस डाली थी वो आपको आपने शायद देखी हो या ना देखी हो, उस टाइम पे जो मैंने वीडियोस डाली थी वो कुछ 4-5 इमेजेस का स्लाइड्स मतलब कहते हैं स्लाइडर जो होते हैं उसको इकट्ठे करके उसकी वीडियोस उठा के डाली थी डिजिटल मार्केटिंग से। ओके, उस टाइम पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था बट लेकिन अभी कुछ 3-4 महीने से मैं इसके ऊपर ज्यादा एक्टिव आया हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेली बेसिस पे एक ना एक वीडियो आती रहती है या फिर 1-2 दिन छोड़ के आती रहती है, तो यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आ रहा है और इसके ऊपर मैं खूब ज्यादा काम कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप वॉच आवर्स भी देखते होंगे व्यूज भी देखते होंगे तो एक एक दिन के अंदर 2500 के आसपास व्यूज इसके अंदर गए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे अभी। ओके, सो ये कैसे मैंने किया है तो ये सब तो ऑर्गेनिकली है क्योंकि मेरे कुछ कीवर्ड्स जो है वो रैंक हो रहे हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने अपने चैनल पे कम से कम 100-150 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ बट लेकिन क्या है कि व्यूज नहीं आ रहे, बट अब मैं इसके ऊपर काम करने लग गया हूँ रैंकिंग वगैरह सब चीजों पे तो वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, इस चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वीडियोस के अंदर, बात करते हैं किस तरीके से आप अपने चैनल पे वॉच आवर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा क्रोम बनाना है अपने सिस्टम के अंदर या फिर कोई और ब्राउजर वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक क्रोम लिया है, इसके अंदर मैं जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सारी जो कुकीज है उसको डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ पे कुकीज डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल एच करेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे या फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट का आइकन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हिस्ट्री है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे।
राइट। तो इसको दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल एस से या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा होगा क्लीन ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ से मैं ऑल टाइम का सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो भी चीज है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं एडवांस में जाऊंगा और जो भी चीज यहाँ पे दिख रही है मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, क्लियर डाटा। अब इसको मैंने ओके वॉइड कर दिया। सो यहाँ पे अब क्या हो गया कि इसको चेक नाउ कर सकते हैं, अगर कुछ चीजें पेंडिंग वगैरह है, कुछ सेफ्टी चेक वगैरह है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अभी क्या करना है हमको, इस क्रोम को कर देना है बंद और आपको करना है इसी क्रोम को दोबारा से ओपन करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर जाना है और आपने सुमेर सिंह वाला जो क्रोम है इसको क्लिक कर लेना है। अगर आपको जानना है कि सारे क्रोम्स वगैरह कैसे बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्रोम्स बना सकते हैं और बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं और अब हम अपनी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि कुछ इसके अंदर है, तो कंट्रोल एस से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है बहुत सारा डाटा है। तो अभी आपको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सॉरी मैंने जो सेलेक्ट किया था वो लास्ट आवर का सेलेक्ट हुआ, इस वजह से भी कुछ डाटा है, मेरे को यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा सो देट सारा डाटा जो क्लीन हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे मैंने दोबारा से क्लिक किया है और क्लियर डाटा पे क्लिक कर दिया। राइट, अभी अगर ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मे भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है बिकॉज मैंने बहुत दिनों से इसको क्लीन नहीं किया है। सो आज मैं इसको फाइनली क्लीन कर रहा हूँ तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है। अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आपने देखा यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूँ एंड दोबारा से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और कंट्रोल एच से मैं हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी एकदम नील है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो अब मेरे को क्या करना है, न्यू टैब पे ओपन करना है, फर्स्ट वाले को क्लोज करना है एंड यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है अपना चैनल। तो मेरे को अपने चैनल पे जाने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने चैनल का नाम डाल दूंगा या फिर मेरे कोई कीवर्ड जो रैंक करके जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ वो भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मेरा एक वीडियो सजेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ से चैनल पे चला जाता हूँ डायरेक्टली एंड यहाँ पे जाना है मेरे को प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने अगर कोई सी भी वीडियोस बनाई है तो उसको एक प्लेलिस्ट में डालिए, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस जब भी कोई देखेगा तो कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट वॉच करेगा और उस प्लेलिस्ट से सबसे ज्यादा व्यूज आता है क्योंकि उससे कंटिन्यूसली आपकी ही वीडियो चलती है, किसी और की वीडियोस नहीं चलती है। राइट, सो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया और इसके ऊपर आपने जाना है सबसे ज्यादा प्लेलिस्ट वाली पे या फिर जिसके ऊपर भी आप ज्यादा व्यूज चाहते हैं उसके ऊपर जाना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, एक ये वाला है जिसके ऊपर 25 वीडियोस डली हुई है, यूट्यूब रिलेटेड है ये वीडियोस एंड यहाँ पे एक सोशल मीडिया रिलेटेड 26 वीडियो है एंड यहाँ पे एक वर्डप्रेस रिलेटेड 28 वीडियो देख रहे होंगे और यहाँ पे 31। तो मेरे को इससे मैटर नहीं है, मेरे को अपनी प्लेलिस्ट चलानी है सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे अपनी प्लेलिस्ट चलानी है। तो उसको लिए मैं कोई भी सी भी चला सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये 16 वाली ले लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। राइट, एंड इसको मैं कर देता हूँ म्यूट, म्यूट कर दिया। सबसे पहले एम दबा देंगे आप अपने कीवर्ड के अंदर तो ये म्यूट हो जाएगा या फिर यहाँ से भी आप इसको म्यूट कर सकते हैं। एंड सेकंड, आपको यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से जो क्वालिटी है इसको एकदम डाउन कर देना है, इससे क्या होगा कि आपका इंटरनेट सही से चलेगा, मस्त चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ये वीडियोस बहुत देर तक चलने वाली है। राइट, बट यहाँ पे आपको लिमिट है कि एक घंटे ही वीडियो चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं चलानी, अदरवाइज सारा जो वॉच आवर्स है वो डाउन हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब इसको कैच कर लेगा कि आप किस तरीके से वॉच आवर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ से आप वीडियो डाल रहे हैं वहीं से आपका आईपी पे व्यूज भी आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इस वजह से आपको हिस्ट्री भी क्लीन करनी पड़ेगी और वीडियोस की लेंथ की जो टाइमिंग है वो ज्यादा मत चलाना। ओके, तो अभी यहाँ पे ये वीडियोस हो गई है, अभी मैं इसको 10 टाइम्स प्लस कर लूंगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसी को अगर डुप्लीकेट करते चले जाइए 10 बार आपको चला लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ओपन किया है आपको दिखाने के लिए, वरना क्या होगा वीडियो सही से नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी ऑन है तो इसका स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। राइट, सो अभी यहाँ पे वीडियो चल रही है और इसको आपने सबकी क्वालिटी जो है वो डाउन है ऑटोमेटिकली, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने 10 टाइम इसमें कर लेना है, उसके बाद आपने इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है एंड इसके ऊपर जाना है इनकॉग्निटो विंडो में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे या फिर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे। एंड इसके ऊपर भी आपको कम से कम 10 वीडियो ओपन कर लेनी है 10 टाइम में और इसको सिर्फ एक घंटे तक चलाना है। इसको भी टाइम नोट कर लेना, एक घंटे से 4-5 मिनट कमी हो बट एक घंटे से ज्यादा ना हो। राइट, अदरवाइज क्या होगा ट्रैक करेगा और आपका जो व्यूज आ रहे हैं वो सारे डाउन चले जाएंगे और जो पिछले व्यूज है उसको भी डाउन कर देगा अगर यूट्यूब ने चेक किया कि आपकी कहां से सबसे ज्यादा व्यूज आए। ओके, सो दोस्तों आपको इसको चेक करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली ऐसे ही आपको अपने वॉच आवर्स को गेन करना पड़ेगा और यही वो तरीका है जिससे कि बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स अपने वॉच आवर्स को कंप्लीट करते हैं एंड वो कई सारे क्लाइंट को सर्विसेज भी इसी टाइप से देते हैं कि हम उनके वॉच आवर्स को कंप्लीट कर देंगे, आप बस हमसे कॉन्टेक्ट करिए और प्राइस दीजिए। इसी तरीके से वो दूसरे का भी करते हैं और अपना भी करते हैं। राइट,
सो दोस्तों आज जो मैं तरीका अपनाता था या फिर जो फेमस लोग यूज अपनाते थे तरीका जिससे कि उनका वॉच आवर्स कंप्लीट होते थे, वो तरीका मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। आप भी कमाइए, खूब कमाइए और जितना हो सके उतना दूसरों को दीजिए, खुद भी कमाइए दूसरों को भी दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या फिर YouTube वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इसके ऊपर आपको वीडियोस बना के देंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। जय हिंद जय भारत।